हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा कमाल का घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी जिसको केवल आप 7 डे तक यूज कर लेंगे तो आपकी जो झाइयाँ होगी वो लाइट हो जाएगी, और इसे काफ़ी दिनों तक अगर आप ट्राई करेंगे 2 से 3 महीने तो आपकी जो झाइयों की प्रॉब्लम होगी, जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है तुलसी के पत्ते। दोस्तों आप सभी को पता है तुलसी हमारे घर में एक पवित्र पौधे के साथ साथ एक औषधीय पौधे के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रोगों में, और इस तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। जैसे ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ऐसे एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी जो बैक्टीरिया है उन्हें जड़ से खत्म करती है। और आपको बता दें तुलसी का रस अगर हम अपनी झाइयों पर अप्लाई करते हैं तो जो सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों से जो हमारी स्किन खराब हो जाती है, जो कोशिकाएँ खराब हो जाती है, वो उसमें मरम्मत में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसकी रिकवरी में बहुत जल्दी हेल्प करती है। लेकिन दोस्तों तुलसी का रस अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको कवर करने में, लेकिन ये 100% वर्क करती है। मैंने इससे पहले भी आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर किया था। लेकिन तुलसी के साथ अगर आप कुछ चीज़ों को मिलाते हैं और एक पैक तैयार करते हैं, उस पैक को अप्लाई करते हैं, तो 7 डे में आपको रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इस पैक को जरूर ट्राई करेगा। दोस्तों झाइयाँ पिगमेंटेशन होने की बहुत सारी वजह होती है, और आपको बता दें कि पुरुषों को पिगमेंटेशन कम होती है, झाइयाँ कम होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है। और पिगमेंटेशन ज़्यादा तब होती है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब गर्भवती होती है, तो उस वक्त पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारे खान पीन में गलत है, हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तभी पिगमेंटेशन हो जाएगी। कोई ऐसी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी स्किन को जला देती है तो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं हर क्रीम ट्राई मत किया करो, जिस पर विश्वास हो, उस पर भरोसा हो, आप उसी क्रीम को ट्राई करो। कोई भी मार्केट में आ रही है, बहुत से लोग आते हैं, मेरी खुद ही कॉस्मेटिक शॉप है, वहाँ आते हैं, कहेंगी पता नहीं कौन कौन सी क्रीम का नाम, थोड़े से बर्तन खड़क रहे हैं, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं कौन कौन सी क्रीम का नाम बताते हैं और कहते हैं कि वो दीजिए हम लगाएंगे। वो क्या है, ये वो केमिकल बेस्ड क्रीम होती है, मेडिकल क्रीम होती है। तो क्या होती है कि वो जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो जैसे मेरा हल्का सा स्पॉट है तो मैं उसकी वजह से मैं उसको लगाना शुरू कर दूंगी तो वो मेरे स्किन के साथ रिएक्शन होगा, जिससे लगेगा कि ये स्पॉट लाइट हो गया है, बट क्या करता है वो हमारे स्किन को जला देता है, जो मेलानिन की मात्रा होती है उसको ऊपर नीचे कर देता है। उस वजह से हमें लगता है कि हमारी स्किन साफ हो गई, लेकिन जब हम वो क्रीम लगाना बंद कर देते हैं तो हमारी क्रीम को केवल ही केवल नुकसान होता है। दोस्तों तुलसी जो होती है वो हमारे मेलानिन की मात्रा को भी कवर करती है, यानी जो उसका बैलेंस होता है उस बैलेंस को बनाए रखने में भी हेल्प करता है, हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी बनाए रखता है। तो चलो मैं ज़्यादा बातें ना बढ़ाकर आपको बताती हूँ कि आपको ये फेस पैक कैसे लगाना है और किस तरह यूज करना है जिससे आपकी पिगमेंटेशन में आपको हेल्प होगी। और आज मैं घर पर हूँ इसीलिए मैंने शूट पहन रखा है। कैसी लग रही हूँ, ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, पहन रखा है सिंपल सीधी और ऐसे वीडियो बना रही हूँ। चलो बाकी बातें बाद में, चलो काम की बातें पहले करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। लेकिन हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्लैम ज्योति, जहां पर मैं आप लोग के साथ ब्यूटी और मेकअप, ब्यूटी और क्या करती हूँ, हाँ ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो मेरे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ एक बार जाकर उस चैनल को विजिट करिएगा। तो चलो हम लोग ये फेस पैक बनाते हैं और फिर देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है एंड चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये फेस पैक तैयार करते हैं जो आपकी झाइयों को केवल 7 दिन के अंदर लाइट कर देगा, कम कर देगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने तुलसी के बहुत सारे पत्ते ले लिए, आपको केवल 4 पत्ते ही लेने हैं, ठीक है, और ज़रूरत हो तो आप पूरे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको तुलसी के पत्ते को इस तरह एकदम छोटे छोटे से बना लेना है, उसे मसल देना है ताकि जो इसका अर्क है वो बाहर आ जाए, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे, इसका रस जो है वो बाहर आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक मिनट, इसका ये देखिए इसका जो रस है वो बाहर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ये जो तुलसी है
आपको लेना है लगभग 1 चम्मच दूध लेना है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये तुलसी डाल देंगे और ये जो हमारे हाथों में रस है, इस रस को आपको फेंकना नहीं है, लेकिन ये इसमें डालते नहीं बनेगा। क्या करना है आपको, पिगमेंटेशन में सीधे सबसे पहले इसे अप्लाई करना है इस तरह, ठीक है, अपने पिगमेंटेशन के ऊपर अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आप इतना ही करते हैं डेली, दिन में 4-5 बार आपको करना है, तो 6 से 7 महीने में आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ और नहीं करना है। लेकिन इस फेस पैक को लगाएंगे तो पिगमेंटेशन और जल्दी खत्म होगी, साथ ही स्किन में निखार भी आएगा और आपकी जो स्किन का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा निखरेगा, उसकी जो रंग जो है हमारा वो साफ होगा। यहाँ पे मैंने दूध में ये तुलसी डाल दी है, इसे हमें क्या करना है, इसे मिक्स करना है। इस तरह आप दबा के मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी सी तुलसी पीसने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लेना है ये है ऑरेंज पील पाउडर, यानी संतरे के छिलके का पाउडर। दोस्तों इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे स्किन के कलर को लाइट करता है। पिगमेंटेशन की वजह से हमारी जो स्किन का कलर है वो कम ज़्यादा हो जाता है, अनइवन हो जाता है, यानी कहीं पे हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा, कहीं पे लाइट होगा, तो फिर काफ़ी दाग धब्बे नज़र आते हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। तो क्या करेगा ये पील पाउडर, आपकी जो झाइयों का कलर है उसे लाइट करेगा। लाइट करते करते हमारी जो झाइयाँ हैं वो जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों विटामिन सी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाने लगा है। आपकी कोई भी क्रीम में आप देखो विटामिन सी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है, आपके डार्क सर्कल को लाइट करता है, आपके जो भी डार्क स्पॉट है उनको दूर करता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है उनको दूर करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, और झाइयों पर पिगमेंटेशन पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा विटामिन सी क्या करता है, जो हमारे स्किन में मेलानिन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके वजह से झाइयाँ आ जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है, तो मेलानिन की मात्रा को कम करने में भी हेल्प करता है, जो एक्चुअली मात्रा होनी चाहिए हमारी स्किन में उसे बनाने में हेल्प करता है। और मैंने तुलसी को बताया कि तुलसी क्या करता है, मेलानिन की मात्रा को कंट्रोल करने में भी तुलसी भी हेल्प करता है, साथ ही जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे हमारी स्किन झुलस जाती है, उससे हमारी स्किन खराब हो जाती है, पिगमेंटेशन की झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। तुलसी क्या करता है, हमारी कोशिकाओं की, हमारी त्वचा की मरम्मत करता है, जिसके वजह से हमारी पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को निखार लाने में हेल्प करता है। आपको यहाँ पे कच्चा दूध लेना है लगभग 1 चम्मच। आपको क्या करना है, इसमें आपको लगभग आधी चम्मच, या आधी चम्मच ही होगा, बहुत ज़्यादा भरी नहीं है, इतना ही आपको लेना है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तुलसी को अच्छा सा चम्मच से भी दबा लें, ताकि इसका जो रस है वो निकल आए और ये अच्छे से इसमें पिस जाए। या 4 तुलसी के पत्ते ना उसमें पीसते नहीं बनते हैं, जिसके वजह से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे कर लो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप तुलसी के पत्ते यूज नहीं करना चाहते तो तुलसी का अर्क भी आता है, एक बूंद अर्क, तुलसी का सिर्फ एक बूंद अर्क इसमें मिलाकर आप डेली लगाएंगे तो उससे भी पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो फेस पैक है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम लोग अपने फेस पर केवल 20 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। दोस्तों इसे आपको रात के टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, दिन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि रात के टाइम हम सो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाएं वर्क करती रहती हैं, उसमें जो गड़बड़ी होती है, जो स्किन में गड़बड़ी होती है, उन गड़बड़ियों को, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है। तो रात के टाइम हमें स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप इस पिगमेंट, तो दोस्तों अपनी झाइयों को दूर करने के लिए आप इसे रेगुलर लगाना शुरू करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप रेगुलर लगा सकते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत लाइट है, अभी स्टार्ट हुई है, तो आप इसे हफ्ते में 2 या 3 दिन भी लगा सकते हैं। दोस्तों शुरू में आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको डेली यूज करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी पिगमेंटेशन लाइट होती जाएगी, आप इसे हफ्ते में 1-2 दिन या 3 दिन लगा सकते हैं। और दोस्तों इसे लंबे टाइम तक यूज करना है, जी हाँ, 7 डेज में ये आपकी पिगमेंटेशन पर वर्क करना शुरू कर देगी। आपको लगेगा कि आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी, ये नहीं कहूँगी कि ये मैजिक है 7 डे में आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ दोस्तों इसे आपको लंबे टाइम तक यूज करना होगा। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करना।
तो देखना दोस्तों कितना सिंपल है इस फेस पैक को बनाना और इसे अप्लाई करना। दोस्तों आप दिन में कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हो, रात के टाइम अगर अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रात के टाइम जब सो जाते हैं पर हमारी जो कोशिकाएं हैं वो वर्क करती रहती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन की वो मरम्मत होती है रात के टाइम। तो रात के टाइम अप्लाई करिए, फेस वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करिए, और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपको ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क स्पॉट जो होंगे उसे कम कर देगा, डार्क सर्कल होंगे जो भी उससे भी कम करने में हेल्प करेगा, हमारी स्किन में ग्लो लाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी स्किन की उससे दूर करेगा और झाइयों में 100% वर्क करेगा। दोस्तों इसे जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और भी कोई मन में सवाल है झाइयों को लेकर या स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मेरा दूसरा चैनल है ग्लैम श्रुति, उसको भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।